हेलो दोस्तों, आज के इस प्रोजेक्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक लोकल शॉप या लोकल बिजनेस के लिए बैनर डिज़ाइन करते हैं। जैसा मेरे पास ये मैटर अवेलेबल है कि आज मैं मिल्क शॉप के लिए कैसे बैनर डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए मैंने मैटर को कलेक्ट किया है। आप सीखना चाहते हैं कि कैसे मैटर को निकालते हैं या कैसे उसे इमेज को ढूंढते हैं, कैसे टेक्स्ट को लिखते हैं, तो मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिन्हें आप सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आपका दोस्त शुभम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको बैनर डिज़ाइन करना सिखाते हैं। यदि हमें बैनर डिज़ाइन करना होता है तो सबसे पहले साइज़ कंपलसरी होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या साइज़ में डिज़ाइन को रखते हैं। तो डिज़ाइन का साइज़ लेने के लिए हम जाएंगे और यहाँ पे साइज़ ले लेते हैं। एक जैसे हम ये डेमो बना रहे हैं तो आपके लिए एक साइज़ ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं 7x4। यहाँ पे हम ले लेते हैं 7x4 की एक साइज़। फिर साइज़ लेने के लिए रेक्टेंगल टूल पर जाएंगे और डबल क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे साइज़ आपका आ गया है। अब बैकग्राउंड के रूप में हम इस इमेज को लगाना चाहते हैं, तो इस इमेज को लेंगे और बड़ा कर देते हैं। उसके बाद करेंगे कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस एंड से मैटर बैक साइड में चला जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देखने पा रहे हैं। उसके बाद इसे पावर क्लिप करना होता है, जिससे ये मैटर जो आपके साइड साइड निकले हुए हैं उन्हें एडजस्ट करने के लिए। तो इसके लिए हमें जाना होता है इफेक्ट मेन्यू, पावर क्लिप एंड प्लेस इनसाइड कंटेनर। इस पर क्लिक करते हुए बीच में एक बार क्लिक करेंगे तो मैटर पावर क्लिप के अंदर चले जाएंगे, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से अभी इमेज को हम रहने देते हैं, अभी पहले हम टेक्स्ट को एडजस्ट करते हैं। यहाँ से टेक्स्ट को लेंगे, जो नेम रहेगा हम उसे पहले और बड़ा कर देंगे। इस तरह से नेम को और बड़ा कर लेंगे और इनमें कलर फिल करते हैं। तो उसके लिए यहाँ से लगाते हैं रेड कलर। आउटलाइन लगाने के लिए वाइट कलर पे राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन लग जाएगा। F12 प्रेस करेंगे, जो शॉर्टकट होता है आउटलाइन पेन का। आउटलाइन पेन के द्वारा यहाँ से आउटलाइन के विड्थ को हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ से करेंगे 3 पॉइंट और इन दोनों ऑप्शन को चेक करते हुए इसे करेंगे बिहाइंड फिल, फिर करते हैं ओके। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि आउटलाइन यहाँ पर लग चुका है। उसके लिए यदि आप आउटलाइन को और भी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना होगा फिर से F12 और उसके बाद से यहाँ पे हम कर देते हैं इसे 6 पॉइंट एंड फिन करते हैं इसे एंटर। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि साइज़ इसमें आ गया है। मैटर को सेंटर कर देंगे, इसे सेलेक्ट करते हुए नीचे की ओर लाएंगे और छोड़ने से पहले करते हैं राइट क्लिक। तो जैसे आप राइट क्लिक करते हैं एक कॉपी आपका और हो जाता है। इसमें कोई और कलर फिल कर देते तो इसके लिए ग्रीन कलर लेते हैं और कर देते हैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन, तो ये इसके बैक साइड में चला जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादातर डिज़ाइन आपने इस तरह से देखे होंगे। तो इस प्रकार से आप अपने प्रोडक्ट का या अपने बैनर के जो भी चीज़ें बनाना चाहते हैं आप उनका भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया। यदि आप इस पूरे डिज़ाइन का CDR फाइल चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने ईमेल ID को टाइप कर दें, जिससे मैं आपको इसका CDR फाइल दे सकूँ। आप इनमें चेंजेस करके आप अपना या किसी अन्य पार्टी का भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसे हम बड़ा कर देंगे और करेंगे कंट्रोल प्लस जिसे ग्रुप और मैटर को करेंगे सेंटर। इस प्रकार से ये मैटर हमारा सेट हो गया है और इसे हम एडजस्ट ऊपर की ओर कर देते हैं। यहाँ से मोबाइल नंबर लेते हैं और यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करेंगे और कोई फॉन्ट स्टाइल ले लेते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं एरियल ब्लैक और यहाँ पे आप इस तरह से मोबाइल की तरह एक सिंबल का यूज कर सकते हैं हैशटैग के लिए और इसे छोटा करते हुए ऊपर हम एडजस्ट कर देंगे। इसे सेलेक्ट करते हुए थोड़ा नीचे करेंगे और मोबाइल नंबर और बड़ा कर देते हैं। इनमें कलर फिल करेंगे और आउटलाइन लगा देते हैं। प्रेस करेंगे F12 और यहाँ से 2 पॉइंट का आउटलाइन विथ बिहाइंड फिल एंड ओके। इस प्रकार से ये हो जाएगा। यदि आप कलर को चेंज करना चाहते तो आप क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारे यहाँ पे कलर मिल जाएंगे। आप यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया। अब उसी तरह से यहाँ से इस मैटर को लेंगे, जो इनके हाईलाइट मैटर रहेंगे। यहाँ से लेंगे रेक्टेंगल टूल और उसके द्वारा एक शेप को करते हैं ड्रॉ और इनमें कलर फिल कर देंगे। तो उसके लिए प्रेस करेंगे F11, जो शॉर्टकट होता है फाउंटेन फिल का। इसमें बहुत सारे कलर को एक साथ मिक्स करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जाएंगे, करेंगे कस्टम और यहाँ पर क्लिक करते हैं और लेते हैं ग्रीन कलर। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अदर, इस पर आपको जाना है और एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आ गया है सेलेक्ट कलर। उसके बाद से जाते हैं यहाँ पे मॉडल्स में
और यहाँ पे करते हैं 40% और फिर करेंगे इसे ओके। एक बार इस पर फिर क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रीन कलर लेंगे और इसे बीच में लाइट करेंगे, फिर लास्ट में एक बार चेक करना है और यहाँ से लेना है फिर ग्रीन कलर। और अब आपको जाना होगा अदर, फिर मॉडल्स एंड यहाँ पे कर देंगे 40% और करते हैं इसे ओके। फिर कर देंगे हम इसे ओके। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बीच में लाइट बन आ गया है। और इन्हें हम एडजस्ट करते हुए टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस होम से ऊपर की ओर करेंगे। इसे प्रेस करें कंट्रोल प्लस होम, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए इनमें कलर फिल करेंगे और इन्हें बड़ा करते हुए इसे कर देते हैं सेंटर। एक साथ सभी मैटर को सिलेक्ट करने के बाद इनके आउटलाइन को हटा देते हैं। यहाँ से लेते हैं पता, जो भी एड्रेस रहेगा। यहाँ से हम फॉन्ट की स्टाइल को चेंज करेंगे, तो हम यहाँ से फॉन्ट स्टाइल मान लेते हैं, ये लगाते हैं। इसे हम छोटा करेंगे और नीचे यहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं और इसे राइट साइड कर दें राइट अलाइनमेंट से। इसे सेलेक्ट करते हैं और आउटलाइन लगाते हैं। F12 प्रेस करेंगे और आउटलाइन के विड्थ को बढ़ा देते हैं यहाँ से 2 पॉइंट बिहाइंड फिल एंड ओके। यहाँ से इन सब अब इमेज को सेट करते हुए डिज़ाइन को सेट करेंगे। यहाँ से इस इमेज को लेंगे जो काऊ का इमेज है, कंट्रोल प्लस होम से मैटर को ऊपर की ओर और यहाँ से हम ये दूध की जो बाल्टी है इसे लेंगे और यहाँ पे सेट करेंगे और इस इमेज को भी ले लेते हैं और इसे छोटा करते हुए नीचे की ओर सेट करेंगे। फिर एक साथ तीनों मैटर को सेलेक्ट करते हुए आप इसे पावर क्लिप करेंगे। पावर क्लिप करने के लिए इफेक्ट मेन्यू, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड कंटेनर एंड यहाँ पे करना होगा आपको क्लिक। तो मैटर आपके पावर क्लिप में हो गए हैं। यहाँ से इस बचे हुए लास्ट मैटर को सेलेक्ट करना है आपको। इसे सेलेक्ट करते हुए फॉन्ट की स्टाइल को आप चेंज कर दें और इनके साइज को आप एडजस्ट कर लें। तो यहाँ से हम कर देते हैं, यहाँ पे करेंगे 12 पॉइंट और इसे हम छोटा करते हुए यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे और आउटलाइन लगा दें आप। यहाँ रेड कलर और आउटलाइन लगा देते हैं। F12 प्रेस करेंगे और यहाँ से आउटलाइन के विड्थ को 2 पॉइंट बिहाइंड फिल एंड ओके। इसे सेलेक्ट करते हैं और इसके आउटलाइन को हटा देते हैं। अब आपको डिज़ाइन को जूम करके दिखाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम समय में, मुश्किल से 5 या 10 मिनट में आप किसी भी शॉप या लोकल बिजनेस के लिए बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के क्लासेस में आपको सीखने को मिला कि कैसे बहुत ही आसानी से हम डिज़ाइन तैयार करते हैं और कैसे इन सब चीज़ों से हम सीख सकते हैं। एक बार आप पूरे डिज़ाइन को पढ़ लेंगे, एक बार अच्छे से जो भी करेक्शन रहेगा कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको एक करेक्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कॉमा छूट गया है। तो यहाँ पे आप इस तरह से कॉमा या जो कुछ भी अगर आप छूट जाता है डिज़ाइन में, आप उन्हें एडजस्ट करते हुए डिज़ाइन के एक एक लेटर को, एक एक मैटर को आप पढ़ सकते हैं। मोबाइल नंबर को, सभी चीज़ों को आप मिलाने के बाद डिज़ाइन को आप फाइनल कर सकते हैं। यदि आप कुछ गलती रहता है तो आप उसे सुधार करने के बाद इस डिज़ाइन को फाइनल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के क्लासेस में आपको सीखने को मिला। ऐसे ही बेसिक और सिंपल क्रिएटिविटी सीखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और सीखते रहें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, यदि आपको इसका CDR फाइल चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी मेल ID को टाइप कर दें, जिससे मैं इसका CDR फाइल आपको दे सकूं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में और भी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद।